बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और इस लॉ के तहत प्रोसीजर फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 6 से सेक्शन 14 तक जो है वो आपको स्टडी करना होंगे और इन लिंक्स के जरिए आप इस लॉ को डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट टू, प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी टू डिस्चार्ज। इसमें सेक्शन 6 में एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में यूज होने वाली जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पे एक टर्म है डेटर। डेटर से मुराद वो शख्स है जिसने कर्जा वसूल किया है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब कर्ज की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो वो कर्जा वापस करते हैं। जो शख्स कर्जा देता है वो क्रेडिटर कहलाता है और क्रेडिटर का ये राइट है कि डेटर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कर्जा क्रेडिटर को वापस करता है। इसी तरह इसमें आप टर्म्स देखेंगे सिविल कोर्ट्स के हवाले से कि कोर्ट्स जो है वो एग्जीक्यूशन जो है अपनी डिग्री की एग्जीक्यूशन करेंगी, कैसे करेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि पहले डिग्री का वर्ड क्लियर कर दिया जाए। डिग्री से मुराद ऑनरेबल सिविल कोर्ट का वो ऑर्डर है जो किसी पार्टी की फेवर में किया जाए और उस पार्टी के राइट को जो है वो एडमिट किया जाए और राइट उसको दिलाया जाए। राइट जब ऑनरेबल कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर लेती है, कोई डिग्री इशू कर देती है, उस डिग्री पे अमल दरामद करवाने के लिए उस फैसले पे एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ती है। और एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जो ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने डिसीजन किया था, डिग्री दी थी, तो उस डिग्री पे अमल दरामद करवाने के लिए एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होंगी, एग्जीक्यूशन होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, अ डेटर कमिट्स एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। डेटर जो है इन सूरतों में इंसॉल्वेंसी का इर्तकाब करता हुआ समझा जाएगा। जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर तो वो पाकिस्तान में है या कहीं और है और वो शख्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है अपने प्रॉपर्टी को, तमाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है किसी तीसरे शख्स को ताकि उसका बेनिफिट जो है वो क्रेडिटर्स को आमतौर पे मिल जाए। तो जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा किसी तीसरे शख्स को तो हम ये समझेंगे कि डेटर ने जो है वो इंसॉल्वेंसी कमिट कर दी है। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि अगर वो पाकिस्तान में रिहायश पजीर है या कहीं और रहता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को ट्रांसफर कर देता है इस नीयत के साथ कि वो क्रेडिटर के जो है पेमेंट करना थी कर्जे की उसको डिले कर दिया जाए या उसको कर्जा की अदायगी ना करना पड़े, इस वजह से अगर डेटर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को ट्रांसफर कर देता है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा और उसका ये जो अमल है ये एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगी। क्लॉज सी में कहा गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को ट्रांसफर कर देता है जो कि किसी भी इनैक्टमेंट के तहत वॉइड है, यानी वो किसी भी कानून के तहत ऐसा अमल उसके लिए वॉइड है इस वजह से कि उसने धोखादेही के साथ ये अमल किया और जबकि उसको इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया गया था, किसी ऑनरेबल कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया, इसके बावजूद उसने प्रॉपर्टी जो है वो आगे कहीं ट्रांसफर कर दी जो कि किसी कानून की रूह से ये अमल वॉइड था, तो इस सूरत में वो शख्स जो है वो एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी का मुर्तकिब करार पाएगा। क्लॉज डी में कहा गया है कि अगर वो इस नियत के साथ क्रेडिटर को डिले कर देता है पेमेंट कर्जा या डिफीट कर देता है कोई प्रोविजन तो पॉइंट वन में कहा गया है ही डिपार्ट्स और रिमेंस आउट ऑफ पाकिस्तान।
वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है या वो पाकिस्तान से बाहर ही रहता है। मकसद इसका ये है कि उसको कर्जा अदा ना करना पड़े। कर्जा ना देने की नीयत के साथ कि वो क्रेडिटर को कर्जा ना दे, इस वजह से वो मुल्क से बाहर चला जाता है, या अगर वो मुल्क से बाहर था तो मुल्क से बाहर ही रहता है ताकि क्रेडिटर को इन टाइम कर्जा वापस ना करना पड़े। ये भी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। और अगर वो अपने रिहायशी घर से बाहर चला जाता है या जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा था आमतौर पे उस बिजनेस प्लेस से वो बाहर चला जाता है, या वो किसी भी वजह से गैर हाजिर हो जाता है अपने घर से या उस बिजनेस प्लेस से, तो उसका ये एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। इसी तरह अगर वो अपने आप को छुपा लेता है क्रेडिटर से या अपने आप को अलग थलग कर लेता है बिल्कुल, और उसके क्रेडिटर के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं रखता, कम्युनिकेशन को तर्क कर देता है, राब्ते को तर्क कर देता है इस वजह से ताकि उसको कर्जा वापस ना करना पड़े क्रेडिटर को, तो डेटर का ये अमल जो है ये भी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। क्लॉज ई में कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसकी सेल आउट हो गई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑफ एनी कोर्ट, कि ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन किया था जिसके तहत उसके प्रॉपर्टी को सेल होना था और उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है ताकि पेमेंट ऑफ मनी जो है वो रेलेवेंट पर्सन को की जाए, तो जैसे ही ये एक्ट परफॉर्म हो जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट के डिक्री की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, तो ये समझा जाएगा कि डेटर ने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट कर दिया है। क्लॉज एफ में ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसे पिटिशंस या कोई ऐसी एप्लीकेशंस जो फाइल की गई थी और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एडजस्ट कर दिया है कि फलान डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट है लॉ की प्रोविजन के तहत, तो जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट उसको एक इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर देगी, वो शख्स एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट करने का मुर्तकिब करार पाएगा। क्लॉज जी में ये कहा गया है कि अगर वो नोटिस देता है किसी क्रेडिटर को कि उसने सस्पेंड कर दिया है या वो सस्पेंड करने जा रहा है, जो पेमेंट उसने करना थी डेट की वो पेमेंट अब नहीं करेगा, या उसने पेमेंट को रोक दिया है तो उसने पेमेंट को मुअत्तल कर दिया है, जैसे ही ये नोटिस क्रेडिटर तक पहुंचेगा जिसमें पेमेंट ऑफ डेट की सस्पेंशन का जिक्र है, उसको मुअत्तल करने का जिक्र है, तो ये अमल जो है क्रेडिट डेटर का ये एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। क्लॉज एच में ये कहा गया है कि अगर उसको इम्प्रिजन किया गया था ऑनरेबल कोर्ट की डिग्री की एग्जीक्यूशन के तहत क्योंकि उसने पेमेंट करना थी अमाउंट की और वो पेमेंट नहीं कर सका था इन टाइम, तो जैसे ही वो इम्प्रिजन हो जाएगा, जेल चला जाएगा, कैद हो जाएगा, तो उसके साथ ही उसका ये जो अमल होगा ये एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है फर्दर, वो ये कि एक्ट ऑफ एन एजेंट जो है वो एक्ट ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, यानी अगर एक इंसॉल्वेंट पर्सन जो है किसी को अपना एजेंट मुकर्र करता है और अगर वो एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाए अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल ही जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दी गई है ताकि एक्ट ऑफ एन एजेंट जो है ये एक्ट ऑफ प्रिंसिपल समझा जाएगा। सेक्शन 7 जो है वो पिटिशन से रेलेवेंट है। लफ्ज पिटिशन जो है नॉर्मली हम किसी एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पिटिशन का मतलब है कि वो एप्लीकेशन जो हम मूव करेंगे कि किसी डेटर ने कर्जा देना था लेकिन कर्जा नहीं दिया, लिहाजा हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव करेंगे ऑनरेबल सिविल कोर्ट में ताकि वो कर्जा क्रेडिटर को वापस मिल सके। सेक्शन 7 जो है पिटिशन एंड एडजुडिकेशन से रेलेवेंट है। इसमें ये कहा गया है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू से मुराद है इसके ताबे, कंडीशंस शरायत हैं, इस कानून के तहत जो शरायत बयान की गई हैं इन शरायत को मद्देनजर रखते हुए इन शरायत के ताबे इन शरायत के तहत इफ अ डेटर कमिट्स एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड
इंसॉल्वेंसी पिटीशन में भी प्रेजेंटेड आइदर। अगर डेटर जो है एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट करता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, तो एक इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो पेश की जाएगी ऑनरेबल कोर्ट में। किसकी जानिब से पेश की जाएगी? बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर की जानिब से पेश की जा सकती है। और सेकेंडली ये कहा गया है कि वो डेटर की जानिब से भी पेश की जा सकती है, यानी अगर डेटर कर्जा नहीं अदा कर सकता और वो वॉलंटरीली पिटीशन फाइल कर देता है ऑनरेबल सिविल कोर्ट में, ताकि ऑनरेबल कोर्ट के सामने बताया जा सके कि वो कर्जा वापस करने की अहलियत नहीं रखता, वो वॉलंटरीली खुद इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट करार दिया जाना चाहता है, उस सूरत में वो खुद भी पिटीशन जो है इंसॉल्वेंसी की वो मूव कर सकता है। एंड द कोर्ट में ऑन सच पिटीशन मेक एन ऑर्डर, जिसे ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन कहा जाएगा, जिसमें उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाएगा। अगर क्रेडिटर या डेटर ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको इंसॉल्वेंट करार दे सकते हैं, उस ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जैसे ही पिटीशन प्रेजेंट की जाती है डेटर की जानिब से, तो ये समझा जाएगा कि एक एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी जो है वो उसकी जानिब से कमिट हो गया है। एंड ऑन सच पिटीशन द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। तो चाहे वो क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करे या डेटर जो है वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करे, जैसे ही इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल हो जाएगी तो ये समझा जाएगा कि डेटर जो है उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट कर दिया है। सेक्शन 8 में ये कहा गया है एग्जम्पशन ऑफ कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा फ्रॉम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। नो इंसॉल्वेंसी पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट प्रेजेंट नहीं की जाएंगी, ना किसी एसोसिएशन के अगेंस्ट प्रेजेंट की जा सकती हैं और ना ही किसी कंपनी के अगेंस्ट प्रेजेंट की जा सकती हैं जो कंपनी किसी लॉ के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हो। तो ना तो कॉर्पोरेशन के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल होगी, ना ही एसोसिएशन के खिलाफ होगी, ना ही कंपनी के खिलाफ होगी जो कि रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो है वो किसी पे भी जो है वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन उसके अगेंस्ट फाइल हो सकती है, और अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ फिर इंडिविजुअल पर्सन ही रह जाता है। तो डेटर जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है। सेक्शन 9 में कंडीशंस बताई गई हैं कि क्रेडिटर जो है वो किन सूरतों में या किन कंडीशंस के तहत जो है वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन डेटर के खिलाफ जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। सब सेक्शन 1 में ही कहा गया है कि कोई भी क्रेडिटर उस वक्त तक इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल नहीं कर सकता डेटर के खिलाफ जब तक ये कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर क्रेडिटर ने इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करना है या एक से ज्यादा क्रेडिटर हैं, तो क्रेडिटर्स ने इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करनी है, तो जरूरी है कि जो एग्रीगेट अमाउंट है डेट की, जो कि डेटर ने वापस करना था क्रेडिटर को, वो अमाउंट जो है 500 रुपीज से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो कम अज कम 500 रुपीज होने चाहिए। ये लॉ चूंकि 1920 का है, अगर हम उस हवाले से देखा जाए तो उस वक्त ये अमाउंट बहुत ज्यादा समझी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में इस ये अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा इस अमाउंट के हवाले से जो है ये लॉ में चेंजेस होने चाहिए मौजूदा हालात के मुताबिक। तो जब तक ये चेंजेस नहीं होते तो हम इसको पास्ट ट्रांजेक्शन के हवाले से जो यहाँ पे बयान की गई है, हम 500 रुपीज के अमाउंट ही कंसिडर करेंगे। क्लॉज बी में कहा गया कि डेट जो है वो लिक्विडेटेड है, जो कि पेएबल होना चाहिए या तो फौरी तौर पे या किसी सर्टेन फ्यूचर टाइम में। यानी एक डेटर ने क्रेडिटर से कर्जा लिया और उसे कहा कि मैं आपको अगले माह की 10 तारीख तक दे दूंगा, तो इसमें ये सर्टेन फ्यूचर टाइम आ गया 10 तारीख, और अगर वो 10 तारीख को कर्जा वापस नहीं करता तो उस सूरत में क्रेडिटर जो है वो डेटर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन मूव कर सकता है। या अगर कर्जा उसी वक्त पेएबल था, पूरी तौर पे वापस किया जाना था लेकिन उसने वापस नहीं किया, तो उस सूरत में भी क्रेडिटर डेटर के खिलाफ
इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी जो है वो पिटीशन में ग्राउंड के तौर पे बताया जाएगा कि विद इन 3 मंथ्स बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन जो है वो कर्जा लिया गया था, यानी इसमें 3 मंथ्स का टाइम पीरियड बता दिया गया है कि इन ग्राउंड्स पे जो है वो पिटीशन मूव की जा सकती है, कि 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है, उसने जो कर्जा वापस करना था वो कर्जा वापस करने के बाद का जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो भी गुजर चुका है, तो उस सूरत में इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो क्रेडिटर मूव कर सकता है, फाइल कर सकता है ऑनरेबल सिविल कोर्ट में। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि इफ द पिटीशन क्रेडिटर पिटीशनिंग क्रेडिटर इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ही शैल इन हिज पिटीशन आइदर स्टेट दैट, अगर तो वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्रेडिटर जो है वो सिंपल क्रेडिटर नहीं है बल्कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो शख्स है जिसने डेटर को कर्जा दिया था उसकी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हुए या उसके प्रॉपर्टी को लीन करते हुए, उसके प्रॉपर्टी पे जो है वो पोजीशन रखते हुए उसने कर्जा दिया था कि आप मेरा कर्जा मुझे वापस कर देंगे तो उस सूरत में मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दूंगा, ऐसा जो क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा। अगर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर ये बता देता है अपनी पिटीशन में जो उसने फाइल की थी ऑनरेबल कोर्ट में कि वो ये चाहता है कि जो सिक्योरिटी उसके पास मौजूद है, जो प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी उसके पास है, उससे वो दस्तबरदार हो जाएगा, उसको छोड़ देगा और जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाएगा डेटर, ऑनरेबल कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट करार दे देगी तो प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ देगा, और इसके अलावा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो एक एस्टिमेट देगा उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी उसके पास एज सिक्योरिटी मौजूद है। तो इसी तरह जो है जो ऑनरेबल कोर्ट है वो जो बैलेंस ऑफ डेट ड्यू है डिडक्ट करने के बाद जो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट है डेट की वो डिडक्ट करने के बाद उस शख्स को जो है उसका कर्जा वापस कर देगी, बिल्कुल उस तरह जैसा कि किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कर्जा वापस किया जाता है। यानी अगर वो शख्स सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है तब भी वो पिटीशन फाइल करके तमाम सूरत हाल बताएगा और ये कहेगा कि वो अपनी जो उसके पास प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी मौजूद है डेटर की तो उसको वापस करने के लिए तैयार है और उसके एस्टिमेट लगाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी का डेटर की प्रॉपर्टी की क्या अमाउंट बनती है और वो अपने अमाउंट जो है वो हासिल करने के लिए जो बैलेंस ड्यू है उसको जो एस्टिमेट अमाउंट उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट जो है वो उसको पे कर दी जाएगी जो कर्जा डेटर ने लिया था उसके जिमन में। सेक्शन 10 जो है ये कंडीशंस ऑन विच डेटर में पिटीशन से मुतल्लिक है कि किन सूरतों में डेटर जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता है। हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा अभी कि क्रेडिटर भी पिटीशन फाइल कर सकता है और डेटर भी पिटीशन फाइल कर सकता है। क्रेडिटर की क्या कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर डेटर पिटीशन फाइल करता है तो उसमें कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होगा। डेटर जो है उस सूरत में पिटीशन फाइल कर सकता है अगर वो कर्जा नहीं दे पाता या वो कर्जा देने की सलाहियत नहीं रखता। क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर उसके कर्जे की जो अमाउंट है वो 500 रुपीज तक है। क्लॉज बी में कहा गया है कि अगर वो अंडर अरेस्ट है, उसको गिरफ्तार किया गया है या इम्प्रिजनमेंट में है तो उसको जेल हो गई है ऑनरेबल कोर्ट के डिग्री की सूरत में, कि उसके ऑनरेबल कोर्ट के डिग्री की एग्जीक्यूशन करते हुए उस शख्स को जेल में रखा गया है क्योंकि वो पेमेंट ऑफ मनी नहीं कर सका था इस वजह से, तो इस सूरत में वो पिटीशन फाइल कर सकता है। क्लॉज सी में कहा गया है कि अगर ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट आता है उस सूरत में कि एक डिग्री पास हुई थी उसके खिलाफ और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट आ गया उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट से मुराद जो है ये ऐसा ऑर्डर है जिसका ताल्लुक किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने से मुतल्लिक हो और ये ऑर्डर ऑनरेबल सिविल कोर्ट देती है। अब यहाँ पे जो वर्ड अटैचमेंट है इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के एक तरह
वगैरह के कब्जे में चली जाती है, ऑनरेबल कोर्ट वहां पे कोई रिसीवर मुकर्रर कर देती है या कोई और अथोराइज पर्सन मुकर्रर कर देती है, और वो शख्स प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद अमाउंट कोर्ट में जमा करवा देता है। ऑनरेबल कोर्ट उस सूरत में वो जो प्रॉपर्टी की अमाउंट जमा हुई है उसको क्रेडिटर्स के दरमियान तकसीम कर देते हैं, और इस तरह प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर उसको सेल करना, ये जो अमल है सिंपल वर्ड्स में उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर डेटर जिसके खिलाफ एक ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो ऑलरेडी पास हो गया था, और चाहे उसका ताल्लुक किसी इंसॉल्वेंसी कराची डिवीजन एक्ट के साथ था या इस कानून के साथ था, अगर उस ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन को एनल कर दिया गया है यानी उसको मंसूख कर दिया गया था क्योंकि डेटर जो है वो फेल हो गया था, नाकाम हो गया था कि वो अप्लाई नहीं कर सका, अप्लाई करने के हवाले से वो नाकाम हो गया या एप्लीकेशन मूव करने के हवाले से नाकाम हो गया कि उसको डिस्चार्ज किया जाए, वो एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज के हवाले से नाकाम हो गया, टाइमली एप्लीकेशन मूव नहीं कर सका, तो उस सूरत में वो एंटाइटल्ड नहीं होगा कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर सके विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। जो सूरत हाल अभी डिस्कस हुई है, अगर वो इन टाइम एप्लीकेशन मूव नहीं कर सका उस सूरत में वो एप्लीकेशन फर्दर मूव नहीं कर सकेगा इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जब तक कि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जिस ऑनरेबल कोर्ट ने एनल किया था जब तक के उसकी इजाजत नहीं मिल जाती कि पिटीशन फाइल की जा सकती है। अगर वो ऑनरेबल कोर्ट इजाजत दे देती है कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की जा सकती है तो दूसरी सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाएगी वरना नहीं हो सकेगी। फर्दर ये कहा गया है कि सच कोर्ट शैल नॉट ग्रांट लीव अनलेस इट इज सेटिस्फाइड, वो कोर्ट उस वक्त तक इजाजत नहीं देगी डेटर को जब तक के वो इस चीज की तसल्ली ना कर ले कि किसी रीजनेबल कॉज की वजह से जो डेटर है वो एप्लीकेशन मूव नहीं कर सका या एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं कर सका या उसके एप्लीकेशन जो है उसकी सुनवाई नहीं हो सके। और लास्टली ये है कि उसने जो अपने फैक्ट्स लिखे थे उस एप्लीकेशन में, उस पिटीशन में, वो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन से डिफरेंट है, यानी उसने अपनी जो पिटीशन फाइल की थी उसमें फैक्ट्स कुछ और लिखे हुए थे जबकि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन में बयान किए गए जो फैक्ट्स हैं वो उनसे मुख्तलिफ थे। सेक्शन 11 में ये कहा गया है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, कौन से कोर्ट में पिटीशन जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है वो प्रेजेंट की जाएगी किसी भी कोर्ट में जिसको ये इख्तियार समात है इस कानून के तहत, यानी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है उस कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है, और किसी भी लोकल एरिया में पिटीशन फाइल की जा सकती है जहां पे डेटर जो है वो आमतौर पे रिहायश रखता है या जहां पे डेटर का कोई बिजनेस है या जहां पे डेटर जो है वो पर्सनली काम करता है या जहां पे डेटर को अरेस्ट किया गया या जहां पे डेटर इम्प्रिजेंट है, जिस जेल में प्रेजेंट है उस जेल वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की जो ऑनरेबल सिविल कोर्ट है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है उसको सुन सके और वहां पे पिटीशन फाइल की जा सके। मजीद ये कहा गया है कि provided that no objection as to the place of presentment shall be allowed by any court in exercise of appellate or divisional jurisdiction, agar civil court ne insolvency petition ko entertain kiya aur us pe koi order pass kar diya, us order ke khilaf agar koi party appeal file kar deti hai ya revision file kar deti hai to aisi appellate court ko ya aisi divisional court ko ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इस चीज पे ऑब्जेक्शन रेज करे कि पिटीशन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं फाइल की जानी थी बल्कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में फाइल की जानी थी, क्योंकि उसकी रीजन ये है आगे जैसा कि बताया गया है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं ये उस कोर्ट में लिए जाने थे जिस कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी और वो भी
शुरू में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी जैसे ही पिटीशन फाइल की जाती है क्रेडिटर की जानिब से डेटर के खिलाफ, उस सूरत में डेटर या डेटर का कोई नुमाइंदा या डेटर का कोई एजेंट ये ऑब्जेक्शन रेज करता कि इस ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती। अगर उस दौरान शुरू में ऑब्जेक्शंस लिए गए थे तो ये डिसीजन जो है ऑब्जेक्शन के ऊपर ये फौरी तौर पे वही होना चाहिए था। तो एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को जो है वो इस तरह के जो ज्यूरिसडिक्शन से मुतलक ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज नहीं वहाँ किए जाएंगे एपलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में। और जब तक कि अगर ऐसे ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, अलबत्ता ये मामला फिर एक्सेप्शन में आ सकता है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो उस सूरत में ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज नहीं किए जा सकेंगे। सेक्शन 12 वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस। जो भी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की जाएगी ऑनरेबल कोर्ट में वो इन राइटिंग होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए पार्टीज के, और उसको वेरीफाई किया जाएगा उस तरीक़ेकार के तहत जो एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। और जैसा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत प्लेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और साइन किया जाता है, बिल्कुल उस पैटर्न पे जो है वो पिटिशंस को वेरीफाई किया जाएगा और पार्टीज की जानिब से सिग्नेचर्स किए जाएंगे। सेक्शन 13 कंटेंट्स ऑफ पिटिशंस रेलेवेंट है कि एक पिटिशन में कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, कौन कौन से पार्टिकुलर्स होंगे। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज ए के तहत ये कहा गया है कि एक स्टेटमेंट होगी जिसमें ये कहा जाएगा कि डेटर जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपने डेट्स जो वो पे कर सके, बल्कि डेटर अनेबल है कि वो डेट्स को पे कर सके। क्लॉज बी में कहा गया कि वो उस प्लेस का जिक्र किया जाएगा जिस प्लेस पे ऑर्डिनरीली जो है वो डेटर वहाँ पे रिहायश रखता है या वहाँ पे कारोबार करता है या जाती तौर पे वहाँ पे काम करता है या जिस प्लेस पे वो अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ या जहाँ पे वो फिलहाल कैद है और जहाँ वो या ऐसी जगह जहाँ पे वो कस्टडी में है, अभी कैद इम्प्रिजन नहीं है बल्कि हिरासत में है या हवालात में है फॉर द टाइम बीइंग। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि अगर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी कोई ऐसा डिसीजन किया था जिसके तहत डेटर को अरेस्ट किया गया या इम्प्रिजन किया गया, उसकी डिटेल्स बताना होंगी उस इंसॉल्वेंसी पिटिशन के साथ। इसके अलावा अगर उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, यानी उसकी प्रॉपर्टी को जो है ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से कब्जे में लिया गया और उसके बाद सेल करके उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा अमल किया गया, उसके पार्टिकुलर्स बताना होंगे और जो डिग्री इस हवाले से पास हुई थी उसके पार्टिकुलर्स जो हैं वो बताए जाएंगे। क्लॉज डी में कहा गया कि उस प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी है और उसके पेकुनरी क्लेम्स कितने हैं उस डेटर के, कि कितनी अमाउंट उस डेटर ने पे करना है क्रेडिटर्स को और उनके कितने दावेदार हैं और कितने दावा जात हैं उस अमाउंट के हवाले से जो डेटर ने पे करनी है, और उन क्रेडिटर्स की नेम क्या हैं, उन क्रेडिटर्स की रेजिडेंस कहाँ पे है, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो बताना पड़ेंगे। क्लॉज ई में कहा गया है कि अमाउंट और जो पार्टिकुलर्स हैं डेटर के प्रॉपर्टी के वो तमाम बताने पड़ेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू की स्पेसिफिकेशन होगी कि प्रॉपर्टी जो है वो किस नोयत की है, उसकी क्या मालियत हो सकती है, इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी किस जगह पे मौजूद है या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ कहाँ तलाश की गई है कि कहाँ कहाँ उसकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं अगर वो प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा जगह पे हैं। और पॉइंट 3 में कहा गया है कि उस ये डिक्लेरेशन होगा उसकी विलिंगनेस का कि वो प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा अगर उसकी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत या किसी और कानून के तहत या उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती या सेल नहीं हो सकती किसी एग्जीक्यूशन की सूरत में, अगर ऑनरेबल कोर्ट डिक्री पास करती है उस सूरत में एग्जम्पशंस के हवाले से जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो बतानी पड़ेगी इंसॉल्वेंसी पिटीशन को फाइल करने के दौरान।
क्लॉज एफ में ये कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन के साथ एक स्टेटमेंट भी साथ अटैच करना पड़ेगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि अगर डेटर ने पहले किसी मौके पे इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की थी और उसकी पिटीशन एडजज हुई है और उसको एज इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया है, तो उसके क्या पार्टिकुलर्स हैं। यानी जैसे कि पॉइंट वन में कहा गया कि अगर तो पिटीशन डिसमिस हुई है, उस डिसमिसल की रीजंस क्या हैं, ये रीजंस बताना पड़ेंगे। और अगर डेटर जो है उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया था, उस सूरत में उसके कौन से पार्टिकुलर्स हैं, क्या पार्टिकुलर्स हैं इंसॉल्वेंसी के हवाले से, वो स्टेटमेंट में बताना पड़ेंगे। और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई प्रीवियसली एडजुडिकेशन के तहत जो है वो एनल, एडजुडिकेशन जो है वो एनल हो गई है यानी मनसूख हो गई है, तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं। तो ये तमाम पार्टिकुलर्स जो हैं इंसॉल्वेंसी पिटीशन के साथ अटैच करने जरूरी होंगे। सबसेक्शन टू में ये कहा गया है कि तमाम इंसॉल्वेंसी पिटीशंस जो क्रेडिटर्स पेश करेंगे या क्रेडिटर्स पेश करेंगे, यानी एक क्रेडिटर ये पिटीशन मूव करेगा या एक से ज्यादा क्रेडिटर्स मूव करेंगे, तो उसके साथ फॉरवर्ड करेंगे वो तमाम पार्टिकुलर्स डेटर से रेलिवेंट जिनका जिक्र सबसेक्शन वन और क्लॉज बी में किया गया है, वो तमाम पार्टिकुलर्स जो हैं वो साथ फॉरवर्ड करना पड़ेंगे। और जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर इंसॉल्वेंसी जो है वो कमिट हुई है डेटर की जानिब से, तो उसमें किस डेट को इंसॉल्वेंट हुआ और उसने जो है इंसॉल्वेंसी जो कमिट की है डेट वो बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अमाउंट बतानी पड़ेगी, पार्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे, पेक्यूनरी क्लेम्स बताने पड़ेंगे कि उसके अगेंस्ट कितने मालियाती दावे हैं, कि उसने कितनी अमाउंट जो है अपने क्रेडिटर को या क्रेडिटर्स को पे करना है, यानी वो पेक्यूनरी क्लेम है या क्लेम्स है वो बताने पड़ेंगे। पेक्यूनरी जो है इस मुराद है जो मालियात से मुतल्लिक है, माली किस्म के मामलात हैं। सेक्शन 14 जो है ये विड्रॉल ऑफ पिटीशन से रेलेवेंट है। जैसे ही डेटर पिटीशन इंसॉल्वेंसी पिटीशन मूव कर देता है या फाइल कर देता है, या क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर देता है किसी ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऐसे पिटीशन को उस ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत के बगैर विड्रॉ नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, नो पिटीशन whether presented by a debtor or by a creditor shall be withdrawn without the leave of the court. Court की इजाजत के बगैर ना तो debtor petition वापस ले सकता है और ना ही creditor जो है वो petition वापस ले सकता है। इसमें अदालत की जो है वो इजाजत वो जरूरी होगी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एक जजमेंट है 1997 में ये, और ये रिपोर्ट हुई थी पीएलडी पेज नंबर 97 पे। इसमें पार्टीज थी इंग्लिश ट्रस्टी बैंक वर्सेस मोहम्मद खान। इसमें इंटरप्रेट किया गया था सेक्शन 3 को, और प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंस एक्ट 1920 जुरिस्डिक्शन प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको डिस्कस किया गया, उसकी मीनिंग बताया गया सेक्शन 3 के तहत। और ये कहा गया था हाई कोर्ट दस कुड नॉट एंटरटेन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंस एक्ट 1920, यानी किसी भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी और ना ही ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पिटीशन को एंटरटेन करेगी और ना ही वहां पे कोई प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होंगे। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये पॉइंट दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि इंसॉल्वेंसी कमिट हुई है डेटर की जानिब से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए पिटीशन को एंटरटेन कर सकती है, क्योंकि वहां से आगाज होगा पिटीशन का,
और उस ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ रावलपिंडी जो है वो उस केस को सुन सकती है। लेकिन अगर यह पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाए तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जैसा कि हमने एग्जाम्पल में सपोज किया कि रावलपिंडी के कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और वो पिटीशन जो है उसका डिसीजन आ गया है, डिक्री पास हो गई है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के पास एपलेट जुरिसडिक्शन है, जिसका मतलब है कि हाई कोर्ट में अपील्स फाइल की जा सकती हैं, ना कि पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो लिहाजा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और फर्दर ये कहा गया है, वेयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 वाज प्रेजेंटेड बिफोर हाई कोर्ट, अगर फिर भी एप्लीकेशन जो है वो इस कानून के तहत हाई कोर्ट में फाइल की गई तो क्या किया जाना चाहिए था, सेम वाज रिटर्न्ड टू पिटिशनर फॉर प्रेजेंटिंग द सेम टू एप्रोप्रिएट कोर्ट, कि ये जो पिटिशन है या एप्लीकेशन है ये पिटिशनर को वापस कर दी गई ताकि वो एक मुनासिब जो एप्रोप्रिएट कोर्ट बनती है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस केस को एंटरटेन कर सके, तो उस कोर्ट को में फाइल करने के लिए पिटिशनर को पिटिशन वापस कर दी गई है। तो लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इंसॉल्वेंसी पिटिशन को एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंटरटेन नहीं कर सकती, ये इख्तियार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो इख्तियार है ये सेक्शन 3 के तहत है। तो लिहाजा इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बनती है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।